विद्या ऑर्गेनिक की तरफ से सभी मित्रों को नमस्कार। किसान भाइयों और शहरों में रहने वाले देवियों और सज्जनों, पपीता का वृक्ष ऐसा होता है जो ज्यादा स्थान नहीं लेता और बहुत अच्छे फल लेता है। ये देखिए, ये पपीता आप देखिए कितना बढ़िया पका हुआ है, और इसको हमने अपने वृक्ष में इसका बीज लगाया था, लगभग 6 महीने में तैयार हुआ और ये पेड़ का फला हुआ पपीता है। आज सुबह मैंने एक ऐसा पपीता कटवाया, कटवा के खाया, इसके बीज सुरक्षित रखे, और अभी मैं उस एक पपीते से अनेकों नए पौधे तैयार करूंगा, वो आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये सारे बीज हैं, इसको हमने संस्कारित किया है, गाय के गोबर में, गौमूत्र में, नीम की खल्ली में, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक ऑर्गेनिक कीटनाशक तैयार किया गया है बीजों के संस्करण के लिए, उसमें तैयार किया है। अब इसको हम अभी डालने वाले हैं। इसमें मैंने आधा वर्मी कंपोस्ट और आधा कोकोपीट यानी नारियल का भूसा, जिसे कहते हैं नारियल के छिलकों का भूसा, वो मैंने बनाया है। इसमें नीम की और सरसों की खली और थोड़ा सा चूना, कली चूना दिया है। ये बहुत आराम से 1 महीने के बाद इतना हो जाएगा जिससे कि हम इसको बहुत बढ़िया से दूसरे किसी जगह में या जमीन न हो उपलब्ध तो छत पर किसी बड़े प्लांटर में डाल सकते हैं। मैं इसको अंगूठे से जरा सा दबाऊंगा, इसको डालूंगा और इसको बराबर कर लूंगा, हो गया। बताइए कि जब आप मिट्टी का प्रयोग करते हैं और आप जैविक और पूर्णतः प्राकृतिक अपने पुरखों की खेती के हिसाब से खेती करना चाहते हैं या सब्जी उगाना चाहते हैं, तो वैसी हालत में यदि आप मिट्टी का प्रयोग गमलों में करेंगे तो हर प्रकार के कीटाणु और जीवाणु, हर प्रकार के फंगस मिट्टी में ही होते हैं, तो तरह तरह के कीड़े लगेंगे और उन कीड़ों को मारने के लिए आपको अनावश्यक रूप से कीटनाशकों का प्रयोग करना होगा। और एक बात मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि जो ऑर्गेनिक कीटनाशक और ऑर्गेनिक खाद के नाम पर बाजार चल रहा है वह ज्यादातर नकली है। बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां इस काम में लगी हैं, और जो खाद और कीटनाशक वो ऑर्गेनिक कह के बेच रही हैं उसका ऑर्गेनिक से कोई मतलब नहीं है। में किसी न किसी तरह के केमिकल का प्रयोग होता है, इसलिए खाद और कीटनाशक तो आप घर पे ही बनाएं, और कैसे बनाएं ये मैं लगातार अपने वीडियो में आपको बता रहा हूं। घर के ही कचरे से, घर के ही बचे हुए सामान से, अपने आसपास के ऐसी चीजों से जिसको कि आप कर सकते हैं, उससे आपके खाद और कीटनाशक बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पपीता है, खरबूजा है, तरबूजा है, यहां तक कि अमरूद भी है, बाहर से बीज लाना या बाहर से प्लांट महंगे खरीदना, उसमें आपको इस बात की गारंटी नहीं होती कि आप
जो भी प्लांट खरीद रहे हैं नर्सरी से वो आखिर कैसा निकलेगा। अगर खूब बढ़िया नींबू आपने खरीदा है तो उस नींबू को आप बहुत आराम से उसके बीज को संस्कारित करके अपने घर में गमलों में नींबू उगा सकते हैं। इस प्रकार से एक बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिना मेहनत किए हुए आप अपने घर के आवश्यकता की पूर्ति अपने घर में ही कर सकते हैं और विषमुक्त आहार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है ये तो ये काम करिए, बहुत अच्छा समय बिताने का भी साधन है और विषमुक्त आहार प्राप्त करने का भी जरिया है। कद्दू है, यहां तक कि भिंडी भी है, उसको अगर आप बढ़िया क्वालिटी की भिंडी आपको मिली कहीं तो आप उसको सुखाकर और उससे बीज निकाल सकते हैं, उसका संस्करण कर सकते हैं और फिर उसे आप इसी प्रकार से पौधों में लगाकर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे वृक्षारोपण से या फलों सब्जियों के पौधे लगाने से आपका फायदा ये है कि गमलों में जो भी आप पौधे लगाते हैं और मिट्टी का प्रयोग करते हैं तो एक तो गमलों का वजन होता है, वो मिट्टी का हो या सीमेंट का हो, गमलों का वजन होगा, गमलों के वजन के साथ मिट्टी का वजन होता है, तो उसको आप एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर रहे हैं तो दिक्कत होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप हथेली पे उठा के यहां से वहां कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। दू, 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 दू,